हेलो गाइस, वेलकम टू मेधा सोल्दवानी। सो गाइस, आज हम बात करेंगे UK SSSC टेस्ट सीरीज नंबर 1 की, ठीक है ना। तो ये टेस्ट सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें टोटल 100 नंबर का जो पेपर होता है उसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और जिसका टाइम पीरियड होता है 2 घंटे का, और इसमें जो है नेगेटिव जो है मार्किंग भी होती है, ठीक है। तो ये मेधा हल्द्वानी के यूट्यूब चैनल पे हम जो है ये सीरीज को चला रहे हैं, ठीक है। अगर आप और अधिक जो है स्टडी मटेरियल आपको चाहिए या वीडियो लेक्चर चाहिए किसी भी टॉपिक पे, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके ये बात हम तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। जब भी हमें समय लगेगा हम उस पर ज़रूर जो है वीडियो बनाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है हिंदी की मूल उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है गाइज, इसका आंसर होगा सौरसैनी अभ्रंश। सौरसैनी अभ्रंश से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। अगला है, मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो गाइज, चाहिए ए आना चाहिए, यहाँ पर य आया, गांधी विद्या अविरधि, तो गाइज इसमें आंसर होगा डी, ठीक है ना। विरधि जो है शुद्ध वाक्य है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। तो घोष वर्ण कौन सा है, प ट द और थ में से, तो गाइज द है। अगर आपने गाइज हमारा स्टडी मटेरियल नोट्स लिया या हमारे ऑनलाइन बैच से या ऑफलाइन बैच से जुड़े हुए हैं या यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, तो ये आंसर आप आसानी से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है गाइज, ये है महाधन उदय की संधि है। महाधन उदय की संधि है, तो गाइज इसकी संधि महोदय या महोदय, तो इसका आंसर होगा गाइज ए, ठीक है। आगे है, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो चिरायु में चिर यु आयु, तो गाइज इसमें होगा, हमें पूछा गया है कि इसमें जो है उपसर्ग पूछा गया ना कि प्रत्यय पूछा गया है, तो इसमें आंसर होगा बी, चीर होगा, ठीक है, बी आंसर होगा। आगे है छठा क्वेश्चन, चंद्रशेखर में कौन सा समास है। तो चंद्रशेखर में कौन सा समास है, तो गाइज अगर आपने हमारा ट्रिक बेस समास आधारित ट्रिक वीडियो लेक्चर देखा है, तो आप इसे बहुत आसानी से ऐसे ही पहचान सकते हैं, ठीक है। तो कर्मधारय है, द्विगु है, द्वंद है, बहुव्रीहि है, तो ये आंसर होगा बहुव्रीहि समास का, ठीक है ना। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो भारत, लड़का, कायर या मित्रता, तो गाइज इसका आंसर होगा मित्रता, ठीक है ना, इसका आंसर होगा डी। आगे है अगला क्वेश्चन आठवां, कर्ता के लिंग का पता ना होने पर क्रिया क्या होती है। तो गाइज कर्ता का अगर पता नहीं है तो उसे हम गिनते हैं पुल्लिंग में, ठीक। अगला क्वेश्चन है जी, व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या होता है। तो गाइज ये होता है संख्या। अगला है गाइज दसवां क्वेश्चन, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है। तो गाइज इसका आंसर होगा को आर है संप्रदान कारक इसमें होगा, ठीक है। अगला है गाइज, मुझसे हंसा नहीं जाता मैं वाच्य है, मुझसे हंसा नहीं जाता, तो भाववाच्य इसमें आ जाएगा, ठीक है। आगे है गाइज, नल बूंद बूंद टपक रहा है, इसमें पूछा जा रहा है क्या है, विशेषण क्रिया, क्रिया विशेषण या सर्वनाम। तो विशेषता की बात करें तो क्रिया विशेषण इसमें आएगा, ठीक है ना। आगे है क्वेश्चन नंबर 13, पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है। पीपर पात सरिस मंडोला, तो गाइज अगर अलंकार का आपने हमारा ट्रिक बेस क्लास देखा है तो इसका आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये उपमा अलंकार है, बी आंसर है। आगे है अगला गाइज, विकारी शब्द होते हैं, ठीक है, विकारी शब्द होते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया या संज्ञा सर्वनाम विशेष क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, तो गाइज ए आंसर होगा हमारा।
आगे है अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है ये हमसे पूछा गया है। तो गाइज यहाँ से क्वेश्चन लगातार यूके ट्रिपल एस सी में पूछा जा रहा है, और कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी राज्य का एग्ज़ाम हो, ट्रिपल एस सी अगर उसे कंडक्ट करा रहा है उस राज्य का, तो ये क्वेश्चन हिंदी में स्पेशली पूछे जाते हैं। तो गाइज अलमारी जो है, ये अलमारी शब्द है, पुर्तगाली शब्द है, ठीक है। आगे है रत्नाकर का पर्यायवाची शब्द होगा, तो रत्नाकर समुद्र का। आगे है व्यष्टि का विलोम, तो गाइस समष्टि अर्थशास्त्र में भी ये होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है अज्ञेय शब्द के लिए गाइस। तो गाइस इसमें जिसे देखा जा ना सके, जिसे सुना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके सही आंसर होगा। आगे है गैस किसी पत्र के आवश्यक घटकों में सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता है, जी संबोधन किसी पत्र में होता ही है, दिनांक होता ही है, पत्रांक होता है, लेकिन अभिवादन नहीं होता है। तो गैस ये हिंदी में जो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन 20 क्वेश्चन में से जो है ये अंतिम क्वेश्चन है। साखी के रचयिता हैं, जी साखी के रचयिता रसखान सूरदास कबीरदास या रहीम, तो गाइज इसके रचयिता हैं रहीमदास, सॉरी कबीरदास इसके रचयिता हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं गाइज, उत्तराखंड पुरातत्व के जनक की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो उत्तराखंड पुरातत्व का जनक जो है वो बोला जाता है गाइज हेडवुड को, बी आंसर होगा। आगे है कालसी अभिलेख की खोज किसने की, तो गाइज क्वेश्चन है कालसी अभिलेख की खोज किसने की, तो फॉरेस्ट महोदय ने की थी 1860 में, बी आंसर होगा, ठीक है। आगे है अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी गाइस, तो कुलिंद वंश था, ठीक है। मध्य हिमालय उत्तराखंड पर ऐतिहासिक राजवंश, तो ये कार्तिकेयपुर राजवंश को बोला जाता है। आगे है मुगल शैली में बना मंदिर, तो केदारनाथ है जो है मुगल मंदिर, केदारनाथ, जागेश्वर मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर, ठीक है, और गंगोत्री मंदिर। तो मुगल शैली में जो मंदिर बना हुआ है ये हमारा आंसर आएगा बद्रीनाथ मंदिर, ठीक है, केदारनाथ नहीं होगा। आगे ये केदारनाथ को आप इसमें इंक्लूड मत कीजिएगा मुगल शैली में, ठीक है। किस चंद शासक के शासनकाल में जो है सत्ता खस राजपूतों के हाथ में चली गई, तो गाइज ये चली गई थी बीरड़ा चंद के शासनकाल में, ये भोग विलासी राजा थे। अगर लेक्चर आपने देखा होगा तो आप समझ सकते हैं इसको आसानी से। चंद वंश का साम्राज्य विस्तार सर्वाधिक किस शासक ने किया, तो गाइज सर्वाधिक समय तक शासन तो गरुड़ ज्ञानचंद ने किया, लेकिन बाज बहादुर चंद के समय में सर्वाधिक विस्तार हुआ था, ठीक है। अब बात करेंगे गाइज अगले क्वेश्चन की कि परमार वंश का 24वां शासक कौन था, क्वेश्चन नंबर है 28, तो ये हैं सोनपाल या स्वर्णपाल ये हैं। आगे है दास प्रथा का अंत किस अंत किया, तो गाइस दास प्रथा का अंत किया था कर्नल गोबान के समय में, ये हुआ था, ठीक है ना, ये कमिश्नर थे। आगे है पवार शासनकाल में जो प्रसिद्ध शब्द औंताली है, ये औंताली है क्या, तो गाइस ये औंताली जो है एक राजस्व कर है पवार शासनकाल में, ठीक है। आगे बात करेंगे उत्तराखंड में कुल विधानसभा सीट, तो यहाँ ध्यान देने की बात है कुल पूछा गया है, तो टोटल जो है 70, 71, 75, 60, तो टोटल 71 है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगर विधानसभा सीट में 70 होता, 71 ऑप्शन नहीं होता, देन आप 70 कर सकते थे। अगला क्वेश्चन 32, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल की जो स्थापना है ये कब हुई बताया जा रहा है, ठीक है, 7 दिसंबर 2000 को, 6 दिसंबर 2000 को, 6 दिसंबर 2001 या 7 दिसंबर 2001, तो बी ऑप्शन होगा जी। अगला, राज्य वाद्य यंत्र ढोल की समिति की सिफारिश पर जो है घोषित किया गया इसे, तो गाइज ये भंडारी समिति की सिफारिश से, ठीक है ना, कौशिक समिति पुनर्गठन के लिए थी। आगे है उत्तराखंड की साक्षरता दर मामले में जो देश में स्थान है उत्तराखंड का, ये है गाइज 17वां नंबर पे, ठीक है। सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला, तो गाइज सबसे कम जो ग्राम पंचायतों वाला जिला है इसका आंसर होगा सी चंपावत, चंपावत इसका आंसर होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की, ठीक है।
उत्तराखंड में जो पंचायती राज अधिनियम है ये कब लागू हुआ, उत्तराखंड में जो पंचायती राज अधिनियम है ये कब लागू हुआ, ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 ये है। तो गाइस ये हुआ था 4 अप्रैल 2016 को लागू। उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल में मैदानी भाग कितना शामिल है, तो पहाड़ी भाग तो है 86.07, तो अब मैदानी कितना बचा, तो गाइस यहाँ पर मैदानी में आपका आएगा 13.97, यहाँ पर होना चाहिए था, सी ऑप्शन होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ सॉरी 13.93% होगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन आप लोग कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 37 में, ठीक है, 93 होगा। आगे है, अच्छा ये होगा 13.93, ठीक है, इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। आगे है फूलों की, आगे जो है गाइस फूलों की घाटी स्थित है, अगला क्वेश्चन है, ट्रांस हिमालय क्षेत्र में, बृहद उच्च हिमालय क्षेत्र, लघु मध्य हिमालय क्षेत्र या शिवालिक क्षेत्र। सो गाइस ये सब हमने पढ़ा रखा है ऊपर से, ठीक है, ट्रांस हिमालय क्षेत्र, बृहद या बृहद हिमालय क्षेत्र, लघु मध्य हिमालय क्षेत्र, तो ये सब हमने कवर किया हुआ है। अगर आपने सीरीज वाइज अगर ये पढ़ा होगा तो आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, बृहद या उच्च हिमालय क्षेत्र इसे बोला जाता है। उत्तराखंड गढ़वाल क्षेत्र में वनों का प्रतिशत कितना है, गढ़वाल क्षेत्र में पूछ रहा है, टोटल जो है उत्तराखंड का नहीं पूछ रहा है, केवल जो है गढ़वाल क्षेत्र की बात कर रहा है, तो 59.84% एरिया में जो है उत्तराखंड का जो टोटल वन है वो गढ़वाल क्षेत्र में है, यानी कि ज़्यादा गढ़वाल क्षेत्र में है, ठीक है। देश का एकमात्र राज्य जहाँ वन पंचायत है, तो गाइज ये है उत्तराखंड, उत्तराखंड देश का एकमात्र राज्य है जहाँ वन पंचायत है। आगे गाइज रैणी गांव चमोली में जो बाढ़ आई है, अभी हाल ही में बाढ़ आई थी, कब आई थी, तो गाइज ये आई थी 7 फरवरी 2021 को, ए आंसर होगा, ठीक है। यमुना नदी की खोज किसने की, तो गाइज ये क्वेश्चन नंबर है 42, तो इसकी खोज की थी आसित ऋषि ने। क्वेश्चन नंबर 43, राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा, राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है जी थागला दर्रा, ठीक है ना, थागला दर्रा राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। क्वेश्चन नंबर 44, फाजकंडी बयान ताल कहाँ है, तो गाइस ये है उत्तरकाशी में। क्वेश्चन नंबर 45, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो मिलन है, मिलम हिमनद है, ठीक है ना, याद रखना कुमाऊं का, ठीक है। सेकिन में जो है इधर पिंडारी ग्लेशियर आता है, ठीक है, लेकिन वो दो जिलों को में है, कुमाऊं और गढ़वाल दोनों में है, लेकिन ये प्योर कुमाऊं में है, ठीक है ना, तो इसलिए। आगे है कैम्प्टी फॉल जो है, क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 46, कैम्प्टी फॉल स्थित है, कैम्प्टी फॉल जो है गाइस ये टिहरी गढ़वाल के एरिया में पड़ता है, ठीक है। पवाली कांठा बुग्याल कहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, तो पवाली कांठा बुग्याल उत्तरकाशी में है। उत्तराखंड में हो रहे प्लान पर आधारित फिल्में जिसमें कोरोना वायरस काल के रिवर्स प्लान को प्रदर्शित किया गया है कि पलायन उत्तराखंड के लोगों की मजबूरी नहीं है, उस फिल्म का नाम क्या है, तो उस फिल्म का नाम है हम होते पहाड़ में, ठीक है। आगे है कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री स्थित है, तो गाइज ये क्वेश्चन है 49 नंबर का इम्पोर्टेंट, यह है रानीखेत में अल्मोड़ा में, ठीक है, रानीखेत अल्मोड़ा में है। आगे है देहरादून हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल तक फैला है, क्वेश्चन नंबर है 50, ठीक है, देहरादून हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल तक फैला है, तो गाइस जी राजा जी राष्ट्रीय उद्यान ये फैला हुआ है। आगे है 51, सिमली ग्वालदम बागेश्वर मुंशारी जौलजीवी जिसे फरवरी 2021 में जो है नया नेशनल हाईवे नाम दिया गया है, तो इसे कौन सा नया नाम दिया गया है, NH 109 109। आगे है 52, क्वेश्चन नंबर, ढालीपुर जो परियोजना है ये कहाँ पर है, तो ढालीपुर परियोजना यमुना नदी पर देहरादून में है। अगला है क्वेश्चन, GST उत्तराखंड में कब लागू हुआ, GST उत्तराखंड में कब लागू हुआ, तो गाइस ये 1 जुलाई 2017 को उत्तराखंड में लागू हुआ था, ठीक है। उत्तराखंड की वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है, तो पूनागिरी देवी को जाना जाता है, पूनागिरी मेला नहीं होगा ऑप्शन, पूनागिरी देवी यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। अगला है गढ़वाल में सामूहिक रूप से मछली मारने के उत्सव को कहते हैं, तो गाइस ये मौण उत्सव को कहते हैं।
अगला है 56 ओंकारेश्वर मंदिर, जहाँ शीतकाल में केदार एवं मधमहेश्वर की डोली लाई जाती है स्थित है। तो गाइस ये क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऊखीमठ रुद्रप्रयाग। ठीक है, आगे है हारूल जो प्रात नृत्य है उसका संबंध किससे है। तो गाइस ये हमारे जनजाति वाले नोट्स में अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसका डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, तो जौनसारी जनजाति। अगला है माइके की स्मृति में गाए जाने वाला नृत्य गीत, तो झुमैलो। ये सब आपको नोटबुक में मिल जाएंगे हमारी स्टडी मटेरियल नोट्स में या ऑनलाइन क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में और चैनल के माध्यम से भी ये आपको मिल जाएगा। अगला है उतरौलो या मूर्खला जो है आभूषण है। ठीक है, उतरौलो या मूर्खला ये आभूषण है। अगला है कुमाऊं भाषा का प्रथम अखबार। ठीक है, कुमाऊं भाषा का प्रथम अखबार जो है गाइस ये हम बोलेंगे अल्मोड़ा अखबार को आंसर होगा। ठीक, अगला है प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध किस शासक से है, तो रुद्रदामन, खारवेल, समुद्रगुप्त या अशोक। तो गाइस ये समुद्रगुप्त से इसका संबंध है। आगे है हड़प्पा किस नदी पर स्थित है, हड़प्पा सिंधु नदी पर स्थित है, भूगवा नदी पर स्थित है या सतलज या रावी, तो रावी नदी पर है जी। ठीक है ना, गुलाम वंश की स्थापना किसने की, तो गाइस ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी 1206 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, क्वेश्चन नंबर 64, तो 30 मई 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, आगे है कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ, तो गाइस ये सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था विभाजन, और ये मिलेंगे 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो गाइस 1784 में विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया है, तो 42वें या 44वें या 41वें या 46वें क्वेश्चन 46वां, तो गाइस यह होगा हमारा सी ऑप्शन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इसे हटाया गया है। अगला क्वेश्चन 69, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से गाइस लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, बात करेंगे व्यक्तिगत रूप से तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगी। आगे है संविधान, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार किसको हैं, तो गाइस ये केंद्र के पास है अभी। ठीक है ना, 248 में अवशिष्ट शक्तियाँ दिए गए हैं, तो ये वहाँ पर होगा। आगे बात करते हैं गाइस क्योटो प्रोटोकॉल की, तो क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल अब गाइस किस वर्ष हुआ ये हमसे पूछा जा रहा है, तो 2015 में ये हुआ नहीं है। ठीक है, और 2000 में तो हुआ नहीं, 92 में भी नहीं, 89 में भी नहीं, ये 97 में होगा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या संसद, तो गाइस संसद के पास ये शक्ति है। ठीक है, याद रखना। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को बोला जाता है, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की बहन किस ग्रह को बोला जाता है, तो शुक्र को। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग जो है गाइस वो कहलाता है क्रोड, पृथ्वी का, और सबसे बाहरी भाग भूपर्पटी कहलाता है। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। आगे है भूकंप आने से पहले वायुमंडल में कौन सी गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, तो गैस रेडॉन गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। कर्क रेखा को दो बार काटती है, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी या माही नदी, तो गैस ये होगा माही नदी, कर्क रेखा को दो बार काटती है। विश्व का सबसे ऊँचा जो है जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात, एंजिल, टुगेला या जोग, आयतन की दृष्टि से तो ये जोग है भारत में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है क्वेश्चन के बेस पे ये होगा बी आंसर। ठीक है, भारत का दूसरा है कुचिकुलम है। ठीक है, लेकिन वो भी कर्नाटक में है और जोग भी कर्नाटक में है, ये आयतन में है की दृष्टि। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो गाइस सांबर झील है। आगे है वैक्यूम ट्यूब पर आधारित कंप्यूटर है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, तो प्रथम पीढ़ी में ही डायरेक्ट आंसर है अगर आपने पढ़ा हुआ है, और हम तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे ये, बिल्कुल जो है आसानी से जो है आप इसे कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 80, इनपुट डिवाइस नहीं है,
इनपुट डिवाइस नहीं है, माउस तो है ही, ट्रैक बॉल है, स्कैनर है, मॉनिटर नहीं है जी इसमें, ठीक है। वोलेटाइल मेमोरी है, रैम ई रोम इरेजेबल रैंडम रीड ओनली मेमोरी रैम अगला और इप्रोम, ठीक है। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 81 में आपका आंसर होगा रैम सी, वोलेटाइल मेमोरी है ये, ठीक है ना, अस्थाई मेमोरी जिसे हम बोलते हैं, उच्च स्तरीय भाषा नहीं है। तो गाइज कोबोल बेसिक पास्कल ये हाई लेवल लैंग्वेज है, मशीनी लैंग्वेज जो है उच्च स्तरीय भाषा में हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है डॉट डी ओ सी एक्स फाइल है, तो गाइज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की ये फाइल है, ये ऑप्शन सिंपली यहाँ पर आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 ए एस सी आई आई का पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, अगला अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो गाइज ये बी आंसर सही लग रहा है, आगे भी पढ़ लेते हैं लेकिन बी अभी तक सही आंसर है। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अच्छा यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, इनको थोड़ा सा देख लेना, तो बी ऑप्शन होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। आगे है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं नेशनल मंडेला नहीं है, जॉन किन्स, एडम स्मिथ आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, तो गैस केसीन योगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, तो गैस भारत में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ। गरीबी हटाओ नारा दिया गया, तो गैस चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। आगे है भारत में मुद्रा स्फीति की गणना किस पर आधारित है, तो थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत हुई है गैस 12 मई 2020 से इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जाता है गाइस, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है बाबूजी उपनाम है, तो गाइस बाबूजी उपनाम है महात्मा गांधी, श्री कृष्ण, श्री पंडित नेहरू या जगजीवन राम, तो गाइस जगजीवन राम का उपनाम है। आगे है ब्रह्मदेश अन्य नाम है, तो म्यांमार का ये नाम है। आगे 94 में अगला क्वेश्चन है दस लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश, तो गाइज ये है वेनेजुएला, ठीक है ना। यहाँ पर आर्थिक स्थिति बहुत डगमगा गई है, तो इस वजह से किया गया है, इसकी डिटेल आप करंट वाले पार्ट में आगे पढ़ लेंगे। वैसे अगर आपने हमारे फेसबुक पेज से जुड़े हैं तो वहाँ पर आप ये जानकारी ले चुके हैं ऑलरेडी। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य गाइज मध्य प्रदेश है। प्रतिशत मामले में नहीं पूछा गया, खाली क्षेत्रफल में पूछा गया है। आगे है गाइज 6, 9, 12, तो अगला क्या आएगा, 6, 9, 12 तो अगला यहाँ पर क्या आएगा करके ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें जैसे कि इसमें 6 अगला 9 फिर 12 दिया गया है, ठीक है ना। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको आप जैसे ही सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका ए 36, ठीक है ना, 36 इसमें आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुमित उत्तर, क्योंकि यहाँ पर सॉल्व करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो इसलिए जो है हम यहाँ पर डायरेक्ट आपको आंसर बता रहे हैं, अभी अगर लास्ट में समय मिलेगा तो हम इसे सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। आगे है सुमित उत्तर की ओर 8 मीटर चला और दाएं मुड़कर, सुमित जो है पहले उत्तर की ओर 8 मीटर चलता है, ठीक है, फिर जो है अपने दाएं मुड़कर 16 मीटर चलता है और अपने बाएं मुड़कर फिर से वो जो है यहाँ पर 5 मीटर चला और फिर जो है वो बाईं ओर मुड़ गया और 16 मीटर फिर आ गया। तो वो गाइज वो अब अपने ऐसी स्थिति बन रही है, तो वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है यह हमसे पूछा जा रहा है। तो गाइज 16 ऐसे गया, 16 यहाँ तो ये आ ही गया है, बराबर है, लेकिन इस ये टोटल जो डिस्टेंस कवर कर रहा है यहाँ से इस बिंदु तक ये जो भी दूरी है ये टोटल जो है आपका कर रहा है 13 मीटर, ठीक है। आगे है रमेश अजय के पुत्र के पुत्र का भाई है, रमेश जो है ना अजय के पुत्र का
सॉरी रमेश अजय के पुत्र के पुत्र का भाई है, तो अजय का रमेश से क्या संबंध है। तो गाइज अगर ये रीजनिंग जो भी ये क्वेश्चन हैं इनको आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर जो है ये विस्तार से समझाया गया है। यहाँ पर अभी ये जो है हम आपको पूरा डिटेल में एलाबोरेट नहीं कर पाएंगे, आप वहाँ पर जाकर इनको आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी एक्सप्लेनेशन करने में, तो आप इनको वहाँ पर जाके देख सकते हैं। अभी हम आपको खाली आंसर की यहाँ पर शेयर करें तो ये दादा हो जाएगा। अगला यही है जेड एक्स भी टी आर पी एन एल जी, तो अगला क्या आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आंसर इसका आएगा अगला एच एफ डी करके, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो सबसे टॉप अभी तक माना जाता है रीजनिंग क्वेश्चन में, ठीक है ना, लॉजिकल रीजनिंग का ये क्वेश्चन कि सभी पेन चिड़ियाँ हैं, सभी जो पेन हैं वो क्या हैं, चिड़ियाँ हैं, ठीक है, और सभी बिल्लियाँ चिड़ियाँ हैं, ठीक है, सभी पेन चिड़ियाँ हैं और सभी बिल्लियाँ चिड़ियाँ हैं, तो ये निष्कर्ष क्या निकला, कुछ बिल्लियाँ पेन हैं और कुछ चिड़ियाँ पेन हैं, ठीक है। तो यदि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं तो एक आंसर ए आंसर, यदि दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता तो बी आंसर, सॉरी यदि कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है तो बी आंसर, यदि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है तो सी आंसर, यदि केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है तो डी आंसर। तो इसमें गाइस डी आंसर होगा, और रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन है गाइज ये हमने यहाँ पर एलाबोरेट नहीं किए, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर की बताई है, बिकॉज ऑफ वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके अलावा अगर आपको जानकारी चाहिए ये कैसे हल किया जा रहा है, इसका विशेष ट्रिक जो है हमने अपने यूट्यूब चैनल पर जो है हमें मिल जाएगा, तो आप मेहदा सल्दानी पर सर्च करके आप वहाँ पर जोड़ सकते हैं, वहाँ पर जो है ये आपको मिल जाएगा, और ये टेस्ट सीरीज जो है लगातार जारी रहेगी। अगर आप लोग और अधिक जो है जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस टॉपिक का वीडियो लेक्चर चाहिए, हम वो टॉपिक ला के आपके सम्मुख रखेंगे, ठीक है, थैंक यू गाइज़।